हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया गया है, जिसके अंदर पूजा पाठ व दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे नियम देखने को मिलते हैं जो माता सरस्वती से जुड़े हुए हैं। सफलता, धन, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से सरल उपाय है जिनको करने से माँ सरस्वती कृपा बरसती है। बसंत ऋतु एक ऐसा पर्व रहता है जिसमें कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बसंत पंचमी अपने आप में ही शुभ व सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। आइए पंडित जी से जानते हैं वो कौन से कार्य है जो बसंत पंचमी को मनाते हैं। जी, बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। वो इस बार बसंत पंचमी 14 फरवरी की पड़ रही है। 14 फरवरी के दिन मुख्यतः विशेषतः विद्यार्थी धन लाभ के लिए तथा आर्थिक संपत्ति लाभ के लिए देवी सरस्वती का पूजन करना चाहिए तथा विद्या की देवी सरस्वती कही रही है। तो मुख्य उपाय में कहा गया है कि विद्या प्राप्ति तथा धन प्राप्ति हेतु मोर पंखी का पौधा स्थापित कर पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें तथा विद्यार्थियों के लिए कि देवी सरस्वती जी का पूजन करें, उनको लाल पुष्प तथा गेंदे के फूल अर्पित करें और देवी सरस्वती जी का पूजन करें। और कुछ मुख्य विद्यार्थियों को लाभ पाने हेतु उनका स्टडी रूम, जो पढ़ाई का कमरा होता है, पढ़ाई का कक्ष जो उनका विद्यार्थियों का है, वो सफ़ेद रंग से या हल्का क्रीम जो कहा गया है वाइट पर होता है उस रंग पर रखें, क्योंकि देवी माता की सरस्वती कृपा बनी रहती है और उनका ही वाहन श्वेत कहा गया है और श्वेत वस्त्र द्वारा रखी गई है। तथा इस उत्तर की दिशा में धन प्राप्ति हेतु मोर पंख आदि आप लगा सकते हैं धन प्राप्ति हेतु। तत्पश्चात अनेक लाभ को देने वाली देवी सरस्वती होती है तथा सरस्वती विद्या की देवी है। विद्या होती है तो ही धन एकत्रित होता है, तो उसी प्रकार देवी का विद्या के संबंध में पूजन किया जाता है तथा ये विशेष लाभ कहे गए हैं कि मोर पंखी का पौधा तथा मोर पंख तथा सफ़ेद वस्त्र तथा रक्त पुष्प से देवी सरस्वती का पूजन किया जाए तथा विद्यार्थी लोग अपने कक्ष में देवी सरस्वती जी के सफ़ेद वाहन पर बैठे हुए चित्र लगा सकते हैं, उनका स्मरण करते हुए पढ़ाई की जाए तो उनको विद्यार्थी जीवन में बड़ा लाभ मिल सकता है और मोर पंखी का पौधा लगा कर करके वह अपने आर्थिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्य उपाय करेंगे।